नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी द्वारा इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बार फिर दिखा राम मंदिर निर्माण और मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन और मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया। लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने वाली हिंदू समाज पार्टी के लोगों ने केसरबाग स्थित जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्यालय के अंदर जाने से प्रदर्शनकारियों को रोका गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कहासुनी भी देखने को मिली। इस दौरान डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने शराब तस्करी का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। बिहार के हाजीपुर में शराब तस्करी का मामला सामने आया। शराब को महनार थाना की पुलिस ने बरामद किया। महनार पुलिस टीम ने देर रात छापेमारी कर हरियाणा निर्मित शराब के साथ एक कार को जब्त किया। आपको बता दें कि जंदाहा से महनार में शराब की बड़ी खेप की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। शराबबंदी के बीच बिहार में विदेशों से शराब की तस्करी के खुलासे से अधिकारी हैरान है। गुप्त सूचना मिली थी कि जंदहा मना रोड में एक गाड़ी से शराब की खेप आ रही है। सूचना पर एक मारुति कार का पीछा किया गया था, जिससे चालक और एक सवार व्यक्ति आबादी में भागने में सफल रहे। उससे किस गाड़ी में शराब बरामद किया गया। बात हरिद्वार के नगर निगम की, जो राजनीति का अखाड़ा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ गई है। हरिद्वार नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप में फंसकर शहर में व्यवस्था बेपटरी हो गई है। मेयर अनीता शर्मा के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और तालाबंदी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ भी नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि मुख्य नगर आयुक्त आलोक पांडे बीजेपी के दबाव में मेयर अनीता शर्मा को काम नहीं करने दे रहे। तालाबंदी इसीलिए करनी पड़ी कि हम यहाँ आए थे शांतिपूर्वक और अधिकारी यहाँ से गायब हैं और हम उनको दुखड़ा सुनाना चाहते थे। जनता आई हुई है, पीड़ित लोग आए हुए हैं, पार्षद आए हुए हैं, कांग्रेस के लोग आए हुए हैं, अन्य दलों के लोग आए हुए हैं। अब ये ताला बंद करके भाग अपना छुट्टी लेके भाग गए, गायब हो गए, तो इसलिए तालाबंदी करनी पड़ी। आज हम लोगों ने हमने का घेराव किया है और इनको चेतावनी दिया है। इनको चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर अब इसके बावजूद भी अगर इन्होंने मेयर को काम नहीं करने दिया तो फिर आगे कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरेगी, आगे कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरेगी। और जब तक ये मदन कौशिक जी या जो अधिकारी है, क्योंकि मदन कौशिक जी हमारे विकास मंत्री हैं, मैं उनसे भी अनुरोध भी कर रही हूँ कि मेयर को काम करने दीजिए प्लीज। बात करेंगे हरियाणा के होडल की, जहाँ ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में एक की मौत हो गई। हरियाणा के होडल गुड़ौता रोड पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय शारजीत के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर, एक सुबह सूचना मिली थी कि डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये सूचना पर हम गए थे, एक्सीडेंट मामला है, उसमें एक आदमी की मौत है और पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश कर रहे हैं। बारा जिले के थर्मल पावर प्लांट के इंजीनियरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां आने वाले हैं और उनके कार्यक्रम का जायजा लेने ऊर्जा मंत्री को यहां जाना था, लेकिन इंजीनियरों के प्रदर्शन के चलते वो यहाँ नहीं जा सके। राजस्थान के बारा जिले के छबड़ा कस्बे में स्थित थर्मल पावर प्लांट में इंजीनियरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर 30 जून को थर्मल पावर प्लांट में आयोजित होने वाले पांचवी व छठी 660 मेगावाट की इकाई के लोकार्पण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के कार्यक्रम का विरोध करने का फैसला भी अपनी मांगों को लेकर इंजीनियरों ने लिया। वहीं खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और विधायक पानाचंद मेघवाल को सीएम के दौरे का जायजा लेना था, लेकिन इंजीनियरों के विरोध प्रदर्शन के चलते वो भी वहां नहीं पहुंच पाए। चलिए इसी के साथ यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक,
स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। मैडम आप इतनी ज्यादा फीस कैसे ले सकती हो, ये तो सरासर गैर कानूनी हुआ। देखिए हमारे पास यही ऑप्शन है, आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। ये कैसी धांधली है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी कौन सुनेगा। हम सुनेंगे आपकी बात और हम बनेंगे आपकी आवाज। एबी स्टार न्यूज हर वक्त आपके साथ। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे पंजाब के बरनाला की, जहां नगर काउंसिल के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पंजाब के जिला बरनाला के नगर काउंसिल धनौरा के समूह काउंसलरों की तरफ से काउंसिल के प्रधान का चुनाव लंबे समय से ना होने के चलते रोष है, जिसमें धनौला में काउंसलरों ने प्रशासन और काउंसिल के ईओ के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर काउंसलरों ने दोष लगाए कि नगर धनौला के पहले प्रधान को अविश्वास का मत डालकर औहदे से हटाया गया, जिसके बाद एक काउंसलर को नित प्रधान लगाया गया था जिसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि काउंसिल के प्रधान के चुनाव के लिए आई नोटिफिकेशन को भी 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से काउंसिल के प्रधान का चुनाव नहीं कराए गए। गल यह है जी, स्टार्टिंग तो लैके यह है भी जिन्ना टाइम चुनी हुई नगर कौंसल का कार्यकाल रहा हो, नगर कौंसल का जो संचालक है वह प्रधान होंगे गा, प्रधान के अंडर चलती है, ईओ का सैकटरी है, पर उरे प्रधान की चोण का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद 7 महीने उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नू हो गए, तो चोण ना होने करके जड़ा सारा उरो कार्य यदा कम हैगा वो ईओ चला रहा है। अज जी असी साड़ी मंग है, वह मंग संबंधी असी जी टैंकी चढ़े हाँ, लोकतंत्रिक हिसाब नाल डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का, वो अपना नुमाइंदा चुनते हैं तो चुने हुए नुमाइंदे अपना प्रधान चुनते हैं, तो वो प्रधान नू ही काम कह सकते हैं, ईओ नू नहीं कह सकते, ईओ रिस्पोंसिबल नहीं है ना ईओ उन्होंने अपॉइंट किया है। प्रधानगी की चोन है जमीत प्रधान की चोन है वो डिप्टी कमिश्नर जी वालों करवानी होंगी है, तो असी जदों भी यह सीटा साड़ियाँ खाली हुई प्रधान के खिलाफ व्यवसायी मता पियादिया जदों भी कार्रवाइया पूरी हुई तो डीसी साहब को चिट्ठी आ गई सी भी प्रधान की चोन करवाई जाए। बात करेंगे पंजाब के होशियारपुर की। होशियारपुर की रहने वाली एक युवती बीते कई दिनों से लापता है। बताया जा रहा है कि एक गेम के जरिए उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी। जब युवक के घर परिवार वाले पहुंचे तो युवक भी अपने घर से लापता मिला। होशियारपुर के गांव तलवंडी कांगो में हुआ हादसा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला कुछ इस तरह है, तलवंडी कांगो की रहने वाली आरती पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा को ऑनलाइन खेले जाने वाले हैंगो गेम के जरिए ग्वालियर का एक युवक पसंद आया। धीरे धीरे गेम के जरिए दोनों के बीच मुलाकात शुरू हुई और मुलाकात प्यार में बदल गई। एक दिन आरती घर वालों से ये कह के निकली कि वो कॉलेज जा रही है, लेकिन ना वो कॉलेज पहुंची और ना ही घर वापस आई, जिसके बाद परिवार वालों ने बेटी की तलाश शुरू की।
और बेटी की तलाश करते हुए वो ग्वालियर पहुंचे। वहां जब युवक के घर पहुंचे तो पता चला कि लड़का भी घर से फरार है, जिसके बाद परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे और बेटी की तलाश कर गुहार लगाई, लेकिन मायूसी के अलावा उनके हाथ यहां भी कुछ नहीं लगा। वहीं पुलिस का कहना है कि वो युवती की तलाश कर रहे हैं। उसकी मदर ने परनीत कौर बिरदी है वाइफ ऑफ मदन लाल बासी तलवंडी कानगो ने कंप्लेंट बयान लिखाया मैनू कि मेरी जिहड़ी लड़की आरती 3/6/2019 नूं घरों ITI कॉलेज कच्चा टोभा गई सी बस राही ते मुड़ के वापस नहीं आई। जदी वह अपने तौर पर भाल करती थी तो उन्हें बयान लिखाया भी मेरी जिहड़ी लड़की नूं भी कोई बंदा नाल नूं व्यक्ति जिहड़ा भी गवाह करके लै गया। वो आधार पर बयान कर लिख के उहदा ते परचा दर्ज किया गया। परचा दर्ज करन तों बाद जिहड़ी तफ्तीश है वह अमल लिया गई है तो वक् वक् थाणियां ते गैस सेटां नूं बारे लिख के भेजा गया भी सूचना के मिलते जी तलाह दी जाए तो उस तो बाद जी हम परचा दर्ज होने बाद तफ्तीश चलती है जो अमल चाहूगी बनती कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे कोटा की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मामले में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा, भीमगंज, मंडी, कोटा शहर व जिले के साइबर सेल ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में महिलाओं के गले से सोने के मंगलसूत्र और चैन तोड़ने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शहर में कई स्थानों पर महिलाओं के गले से सोने के मंगलसूत्र व चैन तोड़ने की गंभीर वारदातें सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कोटा शहर में पिछले 2 महीने से लगातार हो रही चैन स्नैचिंग की घटनाओं के संबंध में भीमगंज थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गैंग का पर्दाफाश किया है और गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर करीब 1.5 दर्जन वारदातों का खुलासा किया है। लुधियाना जेल कांड के बाद पंजाब सरकार और जेल मंत्री सवालों के घेरे में आ गए हैं। हाल ही में पंजाब के जिला लुधियाना जेल में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्व जेल मंत्री और अकाली नेता सोहन सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सोना सिंह ठंडल ने कहा कि जब जेल प्रशासन को बीते रात को ही स्थिति मालूम थी तो उन्होंने स्थिति पर काबू पाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया। वही एक कैदी फरार है जिस पर सरकार का रवैया नकारात्मक दिखाई दे रहा है, जिस पर सरकार और जेल प्रशासन की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है। पंजाब दे विच लुधियाणा दी सेंटर जेल दे विच जिहड़ा वाकया होया, मैं समझदा कि बहुत ही ये दुखदाई ते माड़ी घटना होई है कि जेल दे अंदर 2 ग्रुपां विच जिहड़ी लड़ाई होई आ उन्हें बड़ा भयानक रूप जिहड़ा उह धारण कीता और सारी गल जदों सामने आ रही है तो हौली हौली पता लग रहा कि जेल प्रशासन ने बिल्कुल जिहड़ियां अखां मीट रखियां, जदकि कल रात उत्ते पहलां 2 ग्रुपां विच झगड़ा होया। प्रशासन को चाहिए थी कि उन्होंने रात में ही कोई इदा के प्रबंध कर दे, उन्होंने बंदे के कंट्रोल कर दे, वो कंट्रोल किया नहीं गया तो सवेरे फिर जिहड़े आ ग्रुप होर बड़े रूप जिहड़े धारण करके उन्होंने लड़ाई की है। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़।